नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और आने वाली है होली, जब ये ब्लॉग जाएगा तो आई थिंक उस दिन होली होगी। तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुरक्षित होली खेलिएगा, सेफ होली खेलिएगा, इसी आशा के साथ। और इस ब्लॉग का करती हूँ आज मैं स्टार्ट। आज है सैटरडे, सुबह मैं ड्यूटी से आने के बाद अपना थोड़ी देर मतलब सो ली हूँ, मतलब सोई क्या हूँ, मैं नहाया धोया है, उसके बाद खोया बना के वही मैंने उसी टाइम पे आके खोया रख दिया था, इसीलिए ये बाहर ही यहाँ रखा हुआ है किचन काउंटर पे। तो खोया बना दिया था, एक जो है मैंने यहाँ पे एक लॉट कपड़ों के लगाए थे, तो यहाँ एक लॉट हो चुका है, इसको निकालूंगी। पीछे उधर दिख रहा होगा आधे कपड़े जो है सूख गए हैं ऐसे हीटर पे, क्योंकि मौसम तो यहाँ पे बस वही है, देखो एकदम काला काला सा बादल हो रखा है, तो ऐसे ही हीटर के सामने डाल देते हैं तो सूख जाता है। छोटे छोटे ही कपड़े होते हैं, उसको निकाल के ये वाला डालूंगी उस पर, और क्योंकि ये सारे वाइट वाले हैं, सॉरी बैक नॉइज आ रहा होगा, इसीलिए मैं बात ऐसे नहीं आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, चिल्लाएंगे ही। बच्चों को आप रोक नहीं सकते हो, वो तो अपना काम करेंगे, बस आप उसी में अपना इधर हियर एंड देयर करके मैनेज कर लो, जैसे भी तो बस हियर एंड देयर मैनेज करती हूँ। और सुबह में अच्छी धूप निकल आई थी जब मैं जॉब से वापस आ रही थी, लेकिन ऐसा मतलब काला काला सभी मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, भी दिखा, चलो दिखा ही देती हूँ। ये देखो काले से बादल हो गए हैं, तो यस बिन में यहाँ कपड़े दिख रहे होंगे, ये कपड़ा जो है जाएगा, क्योंकि ये कलर वाले कपड़े हैं, तो वाइट वाले निकाल के फैला दूंगी। और जैसे अभी क्या है कि अपना वो हमारे में ड्रायर भी है, टंबल ड्रायर हमने नहीं रखा है, तो ड्रायर में एकदम ड्राई हो जाता है। एक दो तीन तरह का हमारे में ड्रायर है, एक आप प्रेस वाले ड्राई कर सकते हो जो कि एकदम प्रेस वाले कपड़े निकलते हैं, एक होता है एकदम ड्राई हो जाता है, अब वो ड्राई हो के और एकदम सिकुड़ जैसा जाता है, फिर वो जब आप आयरन करते हो ना, तो आयरन करते समय बहुत मेहनत पड़ती है उसमें, वो तो मैं कभी करती नहीं हूँ, प्रेस वाले पे ही लगाती हूँ। तो प्रेस वाले पे तो उसको लगा दिए, अब वो उसको ऐसे हीटर के सामने रख देंगे, वो सूख जाएगा उस पर स्टैंड पे डाल के। ये वाला जो है कलर वाले कपड़े हैं, भिगे जाएंगे धुलने में। तो यस वीकेंड होता है सा, क्योंकि रोज रोज जो है केवल छोटे बच्चों का ही कपड़ा धुलती हूँ, जो हम लोगों के वीकली कपड़े होते हैं, जैसे दो यूनिफॉर्म मेरा हो गया, दो हस्बैंड का हो गया, बच्चों का हो गया, जो यूनिफॉर्म होते हैं सबके, वो लास्ट में ही वीकेंड में ही धुले जाते हैं। तो और जो छोटे छोटे हैं वो तो रोज निकलते हैं, रोज गंदा होता है। देखो धूप निकल आई है, बिल्कुल सामने मेरे धूप पड़ रही, किचन में भी धूप आ रहा है। तो अभी खोया बना के मैं चली गई थी सोने के लिए, और उसके बाद थोड़े एक घंटे ही सोई हूँ, क्योंकि प्रियंका को जो है नेटबॉल में की प्रैक्टिस में जाना था, तो वो उसको जाना था तो मुझे फिर उठना पड़ा। अब वो चली गई है, मैं अपना चलती हूँ चाय, ऐसे ऐसे ही चिल्लाते हैं दोनों, शिवान सुधर में है, दोनों तीनों खेल रहे हैं, पर उसी में झगड़ा भी कर लेते हैं, बच्चे हैं तो झगड़ा होगा, मारपीट होगी, सब कुछ होगा। और अगर बच्चे शोर ना करें, बच्चे गंदा ना करें, और बच्चे खाएं ना, तो फिर बच्चे कैसे, तो इसी वजह से उनके लिए सब माफ है। बस आपको कैसे मैनेज करना है, या आप अपने रूटीन, अपने टाइम, अपने सब चीज़ों को सेटअप, अपने माइंड से सेटअप कर लीजिए, सब मैनेज हो जाता है। इसीलिए मैं इतना वरीड नहीं होती कि यहाँ गंदा है वहाँ गंदा है, वो करते रहते हैं, मैं साफ करती रहती हूँ, मैं हटाती रहती हूँ। एंड में उनको ये भी वार्निंग दे दिया है कि अपना जो है अपनी गंदगी खुद ही साफ किया करो, तब लास्ट में वो सब घर उठा के तब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सोने चले गए तुरंत, तो अपना टाइडी अप करके जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको स्कूल से भी सिखाई जाती हैं, हम माँ बाप, हम पेरेंट्स ही नहीं सिखाते उनको आजकल, तो छोटे मतलब प्ले जो प्ले ग्रुप होता है उस वहीं से सिखाना शुरू हो जाता है, बच्चों को ऐसा नहीं है, सब आ जाता है, आजकल के बच्चे एडवांस हैं। तो चलती हूँ, चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, चाय बनाऊंगी, हस्बैंड है नहीं क्योंकि वो जॉब पे चले गए मेरे आने के बाद,
आज भी उनका जॉब है, कल भी उनका जॉब है, यानी कि सैटरडे को भी जॉब है, संडे को भी जॉब है। यहाँ होली की ऐसे होली दिवाली की कोई छुट्टियां नहीं होती हैं, आपको अगर आपके पास छुट्टी बची है तो लेनी पड़ती है। तो उन्होंने 27th तक अपनी छुट्टी ले रखी है, मंडे से लेकर यानी 25 से लेकर 27 तक उनकी छुट्टी है। मेरा 25 और 26 मैंने डाली है क्योंकि टैक्स ईयर का यहाँ एंड चल रहा है, तो मार्च एंड हो जाएगा। तो जो भी हमारी जो है पुरानी छुट्टियां थी, हमने मेरी दो बची थी, उनकी आई थिंक एक हफ्ते की बची थी, तो दो इधर लिया है और उधर फिर आई थिंक उन्होंने फिर एक दिन जाएंगे, उसके बाद फिर वेडनेसडे नहीं थर्सडे को लिया है, थर्सडे फ्राइडे ऐसे है। तो यस, उनकी भी छुट्टियां जो है यूज हो जाएंगी इसी होली में। तो हम लोग ऐसे ही छुट्टियों को अपने मतलब कवर करते हैं, जो भी थोड़ी बहुत बची होती है वो एंड में ले लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, कभी त्योहार, होली खासकर होली दिवाली करवा चौथ अगर वीकडेज में पड़ते हैं तो उनके लिए पहले से प्लान करना पड़ता है। अब अप्रैल से नई छुट्टियां शुरू होंगी, तो फिर हम दूसरी छुट्टियां भी ले सकते हैं, आगे के लिए प्लान करना पड़ेगा, पहले से बुक करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो फ्यूचर प्लानिंग हो गया। चाय बनाती हूँ पहले, उसके बाद फिर जो जो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। ऑलरेडी सब कुछ चैनल पे है, मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ, जब से जो जो काम मैं करती हूँ, हर त्योहार मनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बनाती नहीं, जब जब जो जो बनाया है मैंने शेयर किया है, जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है उस हिसाब से आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब उसी में आप थोड़ा सा घटा लो, बढ़ा लो, कुछ अपने तरीके से कर लो, कुछ उसको मिनिमाइज कर लो, कुछ उसको शॉर्ट में कर लो, ये आपके ऊपर है। आपको कितना पसंद आता है कितना नहीं, ये सब आप लोग कमेंट में बता ही देते हो। तो चलिए फिर मैं चाय बनाती हूँ पहले, क्योंकि बज गए हैं 10 और मेरा ये 10 बजे पहला चाय होगा। तो चलो चलो चाय पीते हैं, चाय पी लो आप पहले। अब चले पहले वो कपड़े हटाएं, काम भी तो देखो सामने दिख भी रहा है, मतलब एक काम करती हूँ दूसरा काम ऐसे दिमाग में रहता है कि हाँ अभी ये काम है। तो एक जैसे प्लानिंग अहेड रहता है ना, तो काम भी आसान हो जाता है। ऐसे ही मैं जॉब पे भी करती हूँ, अगर मैंने एक काम किया कर रही हूँ तो मैं दूसरे काम को पहले ही देख लेती हूँ कि अच्छा ये भी करना है, अच्छा पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वो भी स्ट्रेट अवे। ये नहीं कि उसको किसी और पे टाल दूँ या किसी और से कह दूँ, मुझे जो करना है वो मैं ही करूँगी, मैं किसी से कहती नहीं। आप करने का मन हो, आप वर्किंग कलीग्स हो, कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं किसी से कहती नहीं कि ये कर दो वो कर दो, मैं है कि शुरू से ऐसे ही रही हूँ। चलो फिर चाय बनाते तो हैं। इधर मैं खोया बना के रखा था और इसको पहले ही बना दिया था कि ताकि ये ठंडा हो जाएगा तो मुझे ये मिक्सचर बनाने के लिए सही रहेगा। तो गरम खोए में कभी भी मिक्सचर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो सब वो एकदम से पतला हो जाएगा, मेल्ट हो के चाशनी के मतलब शुगर के कॉन्ट्रैक्ट में आके। इधर में ये मूंग की दाल है, भिगो के रखा है कचौड़ी बनाने के लिए, जो मूंग वाली कचौड़ी होती है ना, मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था। घी निकाल के बाहर यहाँ रखा हुआ है रूम टेम्परेचर के लिए, और क्योंकि खोए में यूज़ किया था तो इस वजह से बाहर ही रख दिया। इधर में दूध है, ये भी रूम पर टेम्परेचर में आने के लिए रखा है, गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो इतनी व्यवस्था है। अब पहले चलती हूँ, कुछ और काम तो करूंगी। यहाँ मैं चाय बनाती जा रही हूँ और अपनी छोटी वाली बहन से बात करती जा रही हूँ, क्योंकि त्योहार के दिन टाइम पर ऐसे सबसे बातें करने में ही आधा टाइम निकल जाता है। तो काम करती जाती हूँ और अपना चाय बना लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर मैसेज वगैरह नहीं करना चाहती, मुझे मैसेज करना बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि फिर आपको वो बिज़ी कर देता है। मैं कॉल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप कॉल पे बात करते जाओ, अपना काम भी करते जाओ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैसेज में आप फुर्सत से मैसेज करो, कुछ गलत हो जाए उसी में तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और त्योहार हो या नॉर्मल डे हो, हस्बैंड तो किसी को फ़ोन करते नहीं हैं, मेरा ही काम होता है सबको फ़ोन करना, सबको विश करना। नॉर्मल डे में भी सबका हाल चाल लेते रहना, सबका खोज खबर लेते रहना, ये सब मैं ही करती हूँ। और ये सब लेडीज़ का काम होता भी है।
जैसे लेडीज़ ही ऐसी होती हैं जो घर भी बनाती है, रिश्ते भी बनाती हैं और उसे निभाती भी हैं। तो और अगर इसमें कोई चूक हो जाती है ना, तो शिकायत भी लेडीज़ को ही सुनने को मिलता है। तो बस ये तो संसार है, वही आप कितना भी करो लेकिन सुनने को तो मिलेगा ही, बिकॉज़ आप बहुएं होती हूँ, आप बेटियाँ होती हूँ। चलिए फिर इधर आ जाते हैं, चाय वाय पी लिया मैंने, फिर अब सबसे पहले मैं मीठा ही बनाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि मीठा बनाते समय जो हमारा ऑयल है वो जो है फिर आगे नमकीन वाली चीज़ों में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ मैं गुलाब जामुन के लिए आधा किलो करीब मैंने मिक्सर वो लिया है, मिल्क पाउडर, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सूजी मिलाया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा मिलाया है। मैदा जो है बाइंडिंग के लिए मिलाते हैं, ताकि जो है आपका जो अच्छे से ये मिक्सचर में मिल जाए और अंदर तेल में डालते समय फैले नहीं। खाली अगर आप मिल्क पाउडर ही डालोगे तो वो फैलना शुरू हो जाएगा अंदर तेल के, तो फिर वो शेप ही नहीं रह जाएगा, होल्ड करेगा। तो होल्ड के लिए थोड़ा सा मैदा का यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा इलायची मिलाया है। इलायची बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं चाहे ना मिलाएं, मैं मिलाती हूँ क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है। पर दूध से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। दूध बहुत संभाल के डालना है, गीला हो जाएगा तो फिर आपका गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा। अगर गीला हो जाए तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल दीजिए, सुखा लीजिए, लेकिन मैदा वगैरह मत डालिएगा, सिर्फ मिल्क पाउडर का ही यूज़ करिएगा। उसके बाद एक किशमिश है, बीच बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप बीच में डाल सकते हैं। मैंने एक नरम सी गोलियां बना लिया है, बना के पहले एक दो गोली ऐसे छोटी सी डाला है, फिर एक बड़ी सी डाला है डाल के, कि देख रही हूँ कि तेल का टेम्परेचर क्या है और हमारी चाशनी में जाने के बाद इसका शेप क्या बनता है। तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ सही है। राम जी का नाम लेकर मैंने और सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और बहुत ही लो आंच पर इसको मैं सेक रही हूँ। चलाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको कढ़ाई को अपने किसी पकड़ से पकड़ लीजिए और उसको तेल को हिलाइए, ताकि जो है नीचे आपका गुलाब जामुन चिपकने ना पाए। एक पॉइंट पे ये अपने आप ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा ऊपर आकर, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये फूल गया है, फूल के ऊपर आ गया है और ये घूमना शुरू हो गया था। फिर मैंने इसमें अपना कलछी डाला है, पलटे से इसको पलट देना है और फिर गुलाबी कलर का थोड़ा सा काले रंग में, मुझे काला ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा काला कर देती हूँ, अदरवाइज़ आप गुलाबी गुलाबी सा आप हो तभी आप निकाल सकते हैं और गरम गरम चाशनी में डाल दीजिए। गरम चाशनी में ही मैं डालती हूँ, मेरा कभी कुछ नहीं गुलाब जामुन बिगड़ा है। अगर आपको डर लगता हो तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, 40% तक आपका गुलाब जामुन का चाशनी जो है ठंडी रहनी चाहिए। और ये देखिए ट्विस्ट होने लगा अपने आप से, क्योंकि जब आप गुलाब जामुन डालोगे ना तो धीरे धीरे वो चाशनी भी गर्म होती जाएगी गुलाब जामुन के गर्मी से। और ये देखिए बस अब जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको चलाना शुरू किया है हल्के हल्के से, अभी भी इसको अभी नहीं चलाना है, जब ये लाल होना शुरू होगा और मतलब गुलाबी कलर का हो जाएगा तब इसे ठीक से चला देना है, उलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और चाशनी में डालते जाना है। ये देखिए चाशनी मैंने बगल में रखी है। तो इसी तरीके से मैंने सारा गुलाब जामुन फ्राई कर लिया है और यहाँ अब मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए डो। तो ये मैदा मैंने 1 किलो लिया है और कप दिखा रही थी अभी आपको, तो इसी कप से मैंने 1.5 कप घी का मोयन दिया है, देसी घी का दिया है। हाँ घी से मैं उसको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ये कोल्ड कंट्री है, यहाँ पे ऊपर से जब एक घी का परत जम जाता है तो बहुत ही गंदा सा टेस्ट लगता है, मतलब मुंह में अजीब सा जाता है और वो टेस्ट वो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से तेल का ही मैं फ्राई करूँगी लेकिन मोयन घी से दूंगी। तो यहाँ मैंने 1.5 कप मिलाया है और इसीलिए मैं आपको अभी दिखा रही थी कि मैंने 1 कप पहले मिलाया है और 1/2 कप घी बाद में मिलाया है, क्योंकि मोयन बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसको खस्ता बनाने के लिए, इसलिए मोयन अच्छा खासा देना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम ही हो। और उसको सबको हाथ से थोड़ा समेट लिया है पानी लगा के, उसके बाद क्योंकि इतना सारा मैदा था मैं हाथ से नहीं कर पा रही थी तो मैंने इसको अपने डो मेकर में लगा दिया है।
और ये अच्छे से एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो इसका बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा ये टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। वरना आप गुजिया जब भरोगे ना, तो एक तो वो भरने में ही फटना फटेगी नहीं, आप ठीक से भर पाओगे, और दूसरा जब आप तेल में डालोगे या घी में तो भी वो लीक हो जाएगा। और लीक होने का मतलब, अगर एक गुजिया लीक हो गई तो फिर वो फिर सारा तेल ख़राब कर देता है। इसलिए गुजिया का पैकिंग अच्छे से होना चाहिए, और जब वो आटा सॉफ्ट होगा तो ही आप कर पाएंगे उसकी पैकिंग अच्छे से। ये मिक्सचर के लिए मैंने सूजी लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सूजी लिया है, और सूजी का यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ गुजिए में, थोड़ा ज़्यादा खोया ही यूज़ करती हूँ। तो बस वो टेक्सचर लाने के लिए, दर दरा सा, उसी के लिए मैं सूजी लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको अगर सूजी ना पसंद हो डालना तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं, क्योंकि शुगर यहाँ का वैसे तो बारीक होता है, लेकिन थोड़ा और बारीक करने के लिए पाउडर वाला ही शुगर चाहिए होता है। तो ये सब तो पहले तरीका नहीं होता था, मेरी दादी जो है उसको चाशनी बना के फिर भुर्रा बनाती थी। हम लोगों के यहाँ उसको तगार, भुर्रा ये सब बोलते हैं, तो हमारी दादी उसको भुर्रा बोलती थी, तो वो बनाती थी वो उसको चला चला के चाशनी से। पहले क्योंकि मिक्सी वगैरह नहीं होता था ना, तो अब तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो मेरा जो ये चॉपर है, इसी चॉपर में मैंने इसको पतला सा कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। मिक्सी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन काम को शॉर्टेज करने के लिए मैंने मिक्सी नहीं निकाली है, और इसी में हो गया है मेरा काम। और बस अब जो ये खोया था इसको बारीक सा फोड़ लिया है पूरा, इसमें कोई भी गांठें ना रहें, और शुगर मिलाया है अपने टेस्ट के हिसाब से। पर मैं गुजिया थोड़ा मीठा ही बनाती हूँ। फिर ये सूजी डाला है जो भून के रखा हुआ था, और उसके बाद जो भी है मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो सारे डाले हैं। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिस्ता लिया है, किशमिश लिया है, कोकोनट लिया है, इलायची है। और कोकोनट यहाँ मैंने 2 तरीके का यूज़ किया है, एक तो यूज़ किया है डेसिकेटेड, एक मैंने लच्छे वाला बना के, और ये थोड़ा सा दे रही थी प्रियंका को कि टेस्ट करके बताओ, क्योंकि मैं बनाते बनाते टेस्ट कभी नहीं करती हूँ खानों को, किसी भी खाने को। इसको तो खैर भगवान को भोग लगेगा, लेकिन बच्चा है वो भगवान का रूप है, उसको दे दिया। तो मैं, मेरी आदत नहीं है, भले मेरे ठाकुर जी को नॉर्मल खाना भोग ना लगे जो मैं घर में रोज़ बनाती हूँ, लेकिन उसे भी मैं टेस्ट नहीं करती। बनाते बनाते टेस्ट का और नमक का अंदाज़ा हो गया है, इतना तो अंदाज़ा मिल ही जाता है कि कितना हमें यूज़ करना है नमक और मिर्च मसाला। फिर अब इसको सब बना लिया है, बना के यहाँ मिक्सचर रख लिया है सब कुछ, और वहाँ इतने देर गुजिया खड़े खड़े नहीं भर पाती, तो मैं यहाँ डाइनिंग रूम में आ गई हूँ। मैं और प्रियंका बैठ कर यहाँ गुजिया बना रहे हैं, अभी इनके पापा नहीं आए हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने एक ही दो प्रियंका को बताया कि ऐसे भरना है, और मैंने एक ये बड़ा वाला परात और 2 थाली और मैंने गुजिया भरी है, और प्रियंका ने पूरी गुजिया खुद से जो है डिज़ाइन बनाई है, खुद से पैक किया है। मैंने सिर्फ बेल के उसको रखती गई हूँ, और प्रियंका ने ये 3ों थाली गुजिया खुद से भरी है। तो बच्चे मतलब बिल्कुल से वो सेम वही कर रही है मेरे साथ, हर काम करती है जैसे मैं मेरी दादी के साथ लग के देखती थी और करती थी। एक ही दो बार उसे बताया कि ऐसे करना है बस, बाकी उसने सारी गुजिया को सब मशीन से ही बनाया उसने। मैंने उसको 3 तरीके से गुजिया बनाकर बताया कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसमें से कौन सा तुम प्रेफर करोगी। तो उसने जो है मशीन वाली गुजिया सबसे इजी समझी। यहाँ राम भी आपको दिख रहे होंगे, कुछ मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मुझे याद नहीं कि वो क्या कह रहा था उस समय, बट कुछ कह रहा था फिंगर से, पता नहीं कैसे वो बता के। तो बस यहाँ मैं गुजिया को बेल ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे भरना शुरू करूँगी। थोड़ा ही बना रही हूँ, थोड़े थोड़े करके, थोड़ा थोड़ा ही ऐसे बनाती हूँ लोई बना के और बेल के फिर। तो बस अब मैं इसको आपको 3 तरीके से गुजिया बता दे रही हूँ कि मैं नॉर्मली अपने दादी के साथ जब बनाती थी तो गुठाई करके बनाती थी, हमारे गूंठना बोलते हैं हाथों से। तो मिक्सचर को यहाँ मैंने इस पे डाला है बेल के, एकदम पूरी सा छोटा छोटा सा बना लिया है, और उसके बाद
अच्छे से इसको पैक करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मैदे का घोल बनाकर भी रख लेते हैं और वो भी चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन मैं पानी से ही इसको फोल्ड कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ। उसके बाद इसको चुटकियों से हाथों से पकड़ के ऐसे दबा देना है, जो मैं हाथ से बनाती हूँ, मशीन वाली गुजिया नहीं। और बस इसको चुटकियों से ही इस तरीके से चुटकी चुटकी पकड़ के, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे ये चीज़, और इसको फोल्ड करते जाना, इसको गूंथना बोलते हैं। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है। इजी इसलिए कि इसमें से आपको एक्स्ट्रा गुजिया का जो है डो भी नहीं निकलता और एक ही बार में काम ख़त्म हो जाता है। मशीन से जो हम काट काट के बनाते हैं, इसमें आटा निकलता जाता है और आप बनाते जाओ, तो इसलिए मुझे वो वाला काम टफ लगता है थोड़ा सा, और ये जल्दी हो जाता है। तो ये है हाथों से बनाई हुई गुजिया जो ऐसे गूंथी जाती है हाथ से डिज़ाइन बना के। That's the first style. The second style says go like that. वन स्पून ही भरो, क्योंकि जब ये फूलेगा तो लीकिंग होने का डर होता है. So this is you can make without the machine. No. So means close it. Go see papasia. Huh? Go on, go see papasia. Close it अच्छे से nicely and then pizza cutting. Cutting like that. Cut this and then make it design with this. So जब इससे ये जो मशीन है तुम्हारा वैसे ही बनता है, सेम डिजाइन है. एंड अब हम तुमको मशीन से भी बता देते हैं. यू कैन डू व्हेन यू लाइक इट. वैसे रखो, मेरे लिए तो ऐसे रखो. पानी लगाओ. Close it. दबाओ. ये है मशीन. चलो कौन सा करना है? लो लो इससे ट्राई करो. तो ऐसे नहीं होगा, बस करो उतना नहीं, ज्यादा नहीं. ये इसको जो है ऐसे करो. चलो पानी लगाओ. नो 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 पानी लगाओ. टाइटली दबाना ताकि जो है अच्छे से जो है वो कट जाए. हाँ
ये फर्स्ट टाइम यू डिड इट, दैट्स वेरी नाइस। चलो तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं, मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया था, मैं उससे भी बातें साथ साथ करती जा रही हूँ और गुजिया भी हमारी बनती जा रही है। ये अब आ जाते हैं फ्राई की तरफ, गुजिया सारी बन चुकी है और यहाँ पे धीरे धीरे इसको फ्राई करना है, मतलब लो आंच पे, लो टू मीडियम आंच होना चाहिए, नहीं तो गुजिया अंदर से जो है कच्ची रह जाएगी, खस्ता भी नहीं होगी और ये ऊपर से आपको दिखेगा कि हाँ हो गई है, लाल हो गई है और अच्छे से ये खस्ता नहीं होगा। तो बस बहुत ही पेशेंस के साथ इसको बस इंतज़ार करना है और स्लोली स्लोली फ्राई करते जाना है। और मैंने थोड़ी थोड़ी ही गुजिया डाल के फ्राई करी है क्योंकि मेरी कढ़ाई ये वाली छोटी थी और मैंने फ्राई के लिए यही कढ़ाई यूज़ किया है पूरे होली की आइटम बनाने में। तो ये फूल इतनी रही थी कि मुझे इसे दबाना पड़ा नीचे इस तरीके से पलटे से। और ये देखिए हमारी गुजिया जो है बन गई है। काफ़ी देर लगता है गुजिया फ्राई करने में बट बहुत खस्ती बहुत अच्छी बनी है। तो बस इसको ठंडा होने के बाद इसको ढक देंगे। और ये इतनी घर के लिए बनाई हूँ और ये वाला क्योंकि काफ़ी दिन गुजिया चलती है हमारे यहाँ, जल्दी मैं कहाँ बनाती हूँ, पूरे एक साल में पहली बार बनती है। ये वाली जो बाउल में है ये कहीं देना है, भेजना है। और ये मैं नेक्स्ट डे फ्रेंड के यहाँ लेकर जाने वाली थी तो सब मेरा गैस वगैरह सब क्लियर कर दिया, यहाँ सफाई कर दिया है, ऑयल अभी गर्म है उसी में रहने दिया है, इसी में और भी चीज़ें बनेगा नेक्स्ट डे। इधर जो बर्तन बड़े बड़े थे वो सब हाथ से धुल के साफ करके रख दिए हैं तो ये काम निपट गया। तो सारा काम हो गया है और अब जो है अब चल रही हूँ आराम करने। गुजिया बन गई, मेन वही होता है होली का, गुजिया बन गई, धीरे धीरे सब बनता रहेगा। और गुजिया बना लिया, मठरी बना लिया और गुलाब जामुन बना लिया, दाल भिगो के रखी हूँ, मूंग की कचौड़ियाँ बनाने के लिए वो कल बनाऊँगी। और कहीं जाना भी है कल तो यस, अब चलते हैं आराम करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना है, निकलना है, कहीं जाना है और जहाँ जाएंगे वहाँ शेयर ही करेंगे आपके साथ। तो और आज जो है खाने में बनाया था खिचड़ी, जब सब करते करते जो है ये हुआ कि नहीं अब खाने की भी ज़रूरत है, भूख लग रही है, तो सैटरडे को खिचड़ी बनता ही है, मूंग की दाल, काले उड़द वाली दाल, तो उसी खिचड़ी बनाया था। इस टाइम बच्चों ने नूडल खा लिया है, मतलब मैगी वाला नूडल बना के दे दिया है, वो खा लिए हैं। और बस इस ब्लॉग का करती हूँ एंड आई होप आपको सारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोगों के यहाँ भी कैसे बनता है गुजिया वगैरह ये सब मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, अच्छा लगता है एक दूसरे का जो है ट्रेडिशन कल्चर जान कर। तो होलिका दहन वाले दिन ब्लॉग आपको ये मिलेगा। तो यस, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, सेफ होली के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। इस ब्लॉग का करती हूँ आज मैं एंड और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, रेसिपीज़ पसंद आएंगी, कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं, इट्स इंटायर अप टू यू, सो आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ करिए ना करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। मेरा काम है कहना, आपका काम है करना, अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है और कहीं कुछ भी नहीं लगता है, जस्ट पैसा तो लगता नहीं है लाइक देने में, कमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं भी तो इतना सारा समय आपको देती हूँ अपना,
तो थोड़ा सा आप भी मुझे समय दे दीजिए, अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।